हेलो एवरीवन, दिस इज़ कासिम। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेजोल्यूशन स्लाइडर्स की इमेजेस को हर डिवाइस के लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फुल आपकी डेस्कटॉप व्यू है, जैसे 1920x1080 आप ये डेस्कटॉप व्यू होता है मोस्टली। उसके अलावा आपका स्मॉल लैपटॉप है, उसकी डिफरेंस देखना है, आपका मोबाइल है उसकी डिफरेंस देखना है। तो इन सब डिवाइसेस पे हमने रेजोल्यूशन स्लाइडर की इमेजेस को ऐसे सेट करना है कि वो हर एक पे रिस्पॉन्सिव हो और इमेज कटे देना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारा करके दिखाऊंगा। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो भी इमेजेस डालनी है रेजोल्यूशन स्लाइडर के अंदर, उनका सेम साइज होना चाहिए। लेट्स से कि 1920x1080 साइज हो या फिर 1920x800, यानी कि हाइट और विड्थ दोनों सेम होने चाहिए इमेजेस की जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी मैंने अपनी इमेजेस जो हैं जो मैंने साइडर पे ऐड करनी है वो मैंने यहाँ पे सेट कर ली है। उनकी जो हाइट और विड्थ है वो है, उसकी विड्थ है 1920x840। ठीक है, सबकी सेम हाइट है और सेम विड्थ। अब हम स्लाइडर क्लियर करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आ गए हमने। यहाँ पे आके आपने इस मेन्यू में से ये सेकंड वाला, इधर से सेकंड वाला जो है आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने इमेज जो है इमेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से फिर आप मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे और इधर से अपने फाइल्स के अंदर अपनी इमेज जो है आपने अपलोड करनी है। ठीक है, ये सारे इमेज जो है हमने स्लाइडर पे डाल दें। पहली इमेज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ अपने स्लाइडर के लिए। फर्स्ट स्लाइडर हमारा ये होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक और स्लाइड हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ले इमेज सेट करनी है। आप सेकेंड इमेज चूज कर लें। ठीक है, उसको सेव कर दें, ऐड स्लाइड। अब हमने इसको सेव कर लिया। इसको स्लाइडर का एक शॉर्ट कोड हमने यहाँ पे बैक जाना है हमें यहाँ से। तो ये हमारा स्लाइडर के लिए होगा। यहाँ पे आप होवर करेंगे तो इसके ऊपर ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बेड की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो फर्स्ट वाला जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं पेज के लिए, पोस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। ये कॉपी हो गया, क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप ये रेजोल्यूशन स्लाइडर डिफरेंट विजिट्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रेजोल्यूशन स्लाइडर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, और इस वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इसको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे हम पेज को व्यू करते हैं। ठीक है, इधर से यहाँ पे आप अपने पेज को व्यू करते हैं तो आपके पास ये स्लाइडर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास डेस्कटॉप व्यू है, बिग स्क्रीन है, 1920 है। ठीक है, 1920 इसकी विड्थ है, जिस स्क्रीन की विड्थ 1920 होगी वहाँ पे आपका जो स्लाइडर की इमेजेस हैं वो फुल शो होगी। लेकिन इससे अगर आप छोटी इमेज, छोटी डिवाइस के ऊपर आप स्लाइडर को व्यू करेंगे, छोटे लैपटॉप पे, तो उस पर आपकी इमेज कटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है, उसकी विड्थ स्क्रीन विड्थ ही होती है, जो कि भी हम चेक कर लेते हैं 1366। ठीक है, उसकी ये विड्थ होती है लैपटॉप की, तो वहाँ पर ये स्लाइडर की इमेज कटेगी। इसको रिफ्रेश करता हूँ।
इमेज कट रही है यहाँ से, तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसके अलावा ये देखिए इमेज ये भी कट रही है, और अगर मोबाइल पे हम चेक करते हैं तो मोबाइल पे भी इमेज पूरी शो नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हमने कैसे शो करवाना, इसके लिए आपने ये वाली सेटिंग बना करनी है, ठीक है। यहाँ पे लेआउट के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, लेआउट के अंदर आपने आना है, और यहाँ पे आके आपने ये वाली जो साइज है ये वाला इसका सेट करना है, ठीक है। हमारी इमेज का साइज है 1920x840, ठीक है। ये हमारा इमेज का साइज है जो कि हमने डेस्कटॉप के लिए सेट किया है, ठीक है। पहली ऑप्शन हमारे पास ये है, उसके अलावा इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसको कंटेन करना है, इसका लेआउट, बैकग्राउंड इमेज का जो लेआउट होता है उसको यहाँ से सेव करते हैं। उसके बाद हमने इमेज में जाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड फिट की, इमेज की जो ऑप्शन बैकग्राउंड फिट, इसको हमने कंटेन करना है, कंटेन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको सेव करेंगे और हम दोबारा जो है यहाँ पे आते हैं, मोबाइल पे हम इसको चेक करते हैं, तो हमारे पास फुल इमेज शो हो गई है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जो इमेज थी वो कट रही थी, ठीक है। अब तो यहाँ पे एरो कैरोसेल जो होता है वो भी, उसकी ऑप्शन भी ऑन कर सकते हो आप सेटिंग के अंदर जहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास फुल इमेज शो हो गई है, ठीक है। अगर हम स्मार्ट डिवाइसेस के लिए इसको देखते हैं, लैपटॉप के लिए इसके जो है काम है 1366, यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं इमेज इसकी, यहाँ पे इसकी इमेज फुल हमें नज़र आ रही है, ठीक है। फुल इमेज स्लाइडर की नज़र आ रही है, जो कि इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं, जो कि स्लाइडर हर जो है डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से आप इसको ऐसे करते हैं इसको, तो इमेज रिस्पॉन्सिव हो गया फुल स्लाइडर की इमेज, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसकी इमेज चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से इमेज का साइज सेट हो जाता है। तो हम इसको कैसे करने के लिए देखते हैं, तो ये हमारे पास फुल इमेज शुरू हो गई, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।